तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं WAJ एग्जाम 2024 का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक WAJ एग्जाम 2024 विद अ गुड रैंक। गुड रैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो WAJ आप लोग कितना ही मार्क्स क्यों ना ले आओ, एक मार्क्स, दो मार्क्स, तीन मार्क्स, पांच मार्क्स, तब भी आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन इतने कम मार्क्स में आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ कि आपका एक अच्छा रैंक आए, ठीक है। जितना अच्छा रैंक लाओगे आपको उतना अच्छा कॉलेज में उतना अच्छा ब्रांच मिल पाएगा। तो आपको कैसे अच्छा रैंक लाना है, ताकि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, IIM कोलकाता, हेरिटेज, टेक्नोमैन, सॉल्ट लेक, इस टाइप का टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल पाए। तो अगर आप लोग 2024 में WAJ के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो का आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पूरा देखिएगा, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो भी बताऊंगा आप लोग को उसको फॉलो करना है। क्योंकि देखो सुनने से समझने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप लोग उसको अमल नहीं करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक फिर सुनना समझना इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नया आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो आप, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए WAJ एग्जाम से रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किताबों के बारे में, बुक्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट अभी स्टूडेंट लोग को इसी पे है, कौन सा बुक्स फॉलो किया जाए, कौन सा किताब कौन सा सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, उससे पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा WAJ का पैटर्न दिखा देता हूँ, आपका किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा ये आप लोग देख लो। तो देखिए WAJ एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो PCM सब्जेक्ट का पेपर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और जब का क्लास 12 का सिलेबस है और क्लास 11 का, यहाँ पे 11 छूट गया सॉरी, क्लास 11th एंड 12th का जो सिलेबस है ना वही सिलेबस है, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है सिलेबस के बारे में, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा मैथमेटिक्स का सिलेबस का, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में बताया है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखिएगा याद से जरूर। और देखिए क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन या 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 50 मार्क्स का फिजिक्स से क्वेश्चन आता है और 50 मार्क्स का केमिस्ट्री से, टोटल 200 मार्क्स। और ये जो WAJ का एग्जाम होता है ये आपका शिफ्ट वाइज होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 आपका मैथमेटिक्स का होता है, आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है 11 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर आपको 1 बजे से लेके 2 बजे तक बीच में 1 घंटा गैप मिलता है, इसमें आप लोग लंच कर सकते हो। देन भी आपका स्टार्ट होता है शिफ्ट 2 2 बजे से लेके 4 बजे तक, और शिफ्ट 2 में आता आपका फिजिक्स का क्वेश्चन और केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 50 का फिजिक्स 50 का केमिस्ट्री, ठीक है। और क्वेश्चन आपका कैटेगरी वाइज रहता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स मिलता है, वहीं पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है अगर क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स काट दिया जाता है। वहीं पे कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वहीं पे हाफ मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहता है, और कैटेगरी 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन उस पे मोर देन 1 आंसर करेक्ट होता है। आपको OMR शीट दिया जाता है, OMR शीट में आपको गोला करना होता है, बबल्स करना होता है, गोल गोल टाइप का, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका टोटल 75 क्वेश्चन रहता है जो आपको 2 घंटा में करना होता है, वहीं पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिला के 40-40-80 क्वेश्चन रहता है टोटल, और इसको आपको 2 घंटा में करना होता है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना आपका स्पीड होगा, आपसे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप समझ रहे हो। 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो भी 2 घंटा में, फिर आपका सेकंड शिफ्ट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में। आप लोग समझ जाओ कि स्पीड होना चाहिए, अगर WAJ का तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आप लोग कर लेते हो डेफिनेटली आपका अच्छा रैंक आने वाला है। और अगर आप लोग 200 मार्क्स में से 100 प्लस मार्क्स ले आते हो, 100 से ज़्यादा, 101, 102, 103, 104, तब को जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच CSC, ITEC ये सब आराम से मिल जाएगा। और ये होम स्टेट वाले स्टूडेंट लोगों के लिए, यानी जो स्टूडेंट लोग वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए, ठीक है। जो अदर स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोग 80 प्लस मार्क्स ले आते हो, होम स्टेट वाले स्टूडेंट लोग, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट, तबको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाता है, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जूट एंड फाइबर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, बिहार, UP, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, कहीं के भी है वेस्ट बंगाल के बाहर से, तो अगर आप लोग 120 प्लस मार्क्स ले आते हो 200 में से, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में CSC, ITEC जैसे टॉप ब्रांच मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप लोग 100 प्लस मार्क्स ले आते हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ ब्रांच तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो, और आपको ऊपर में जो इमेज दिख रहा है ये आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का इमेज है, ठीक है। ये PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों ही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, किताब के बारे में, कि कौन सा किताब आपको फॉलो करना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए। आपने देख लिया कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आता है, इसको ज्यादा ध्यान देना है। एक चीज और मैं आप लोग बताना चाहूंगा, हमारा एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसका प्राइस है 151 रुपीज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर
मॉक टेस्ट आप लोग दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का किस लेवल का क्वेश्चन आता है WBJEE में। उससे आपको आसानी होगा क्वेश्चन के प्रिपरेशन में कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के हाईली चांस है हमने वो सब क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बनाए हैं। 151 रुपीज बहुत ही कम प्राइस में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीन शॉट कहीं पर एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर सेंड कर देना है। मैं व्हाट्सएप नंबर पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक भेज दूंगा। ओके, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको पता चल जाएगा, इससे अंदाजा लग जाएगा कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और इन टाइप का क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो देखिए, बुक की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी पॉपुलर बुक है एसएन दे, ये अच्छा बुक है मैथमेटिक्स का WBJEE के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग CBSE ICSE बोर्ड से तो RS अग्रवाल अगर आप लोग फॉलो करते हो या किए हो तो भी आप लोग के लिए अच्छी बात है। वहीं पर जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है उनको पता होगा एसएन दे बुक के बारे में। तो ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपको दोनों नहीं फॉलो करना है, ठीक है? या तो एसएन दे फॉलो कीजिए, RS अग्रवाल किए हो तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं किए हो तो एसएन दे आप लोग ले लीजिएगा, अच्छा बुक है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है? और मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है आपका JEE एडवांस लेवल तक का आता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल का भी प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, वहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए आप लोग SC वर्मा सर का बुक यूज कर सकते हो, नहीं तो JEE का जो लेवल का जो नोट्स है या मटेरियल जो भी है आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है? तो NCERT भी ठीक है, अगर NCERT की हो तो अच्छी बात है। बाकी SC वर्मा सर का बुक और JEE का नोट्स ये भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक ही चीज देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि JEE का नोट्स भी देखने लग गए, SC वर्मा का भी फॉलो करने लग गए, नहीं, कोई एक चीज लेना है, ठीक है? और भैया केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग सेम है, आप JEE लेवल का नोट्स या मटेरियल यूज कर सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है, पर NCERT काफी है केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक में आप लोग छाया प्रकाशनी का एक बुक आता है WBJEE वेस्ट बंगाल का, आप उसको ले लीजिएगा, ऑर्गेनिक के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग NCERT यूज कर सकते हो, नहीं तो आपका JEE मेंस का जो मटेरियल नोट्स है वो यूज कर सकते हो, वो काफी रहता है। खाली ऑर्गेनिक के लिए आप लोग छाया प्रकाशनी भी ले सकते हो। और फिजिकल के लिए आप लोग एक एन अवस्थी बुक आता है, नरेंद्र अवस्थी, ये अच्छा बुक माना जाता है, तो ये भी आप लोग ले सकते हो फिजिकल के लिए, नहीं तो NCERT काफी रहता है या फिर JEE का मटेरियल आपके लिए काफी होगा, ऑर्गेनिक के लिए छाया प्रकाश नहीं, ठीक है? तो ये था आपका सब्जेक्ट वाइज बुक, आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक और बुक है WBJEE सॉल्व पेपर, ठीक है? ये भी आप लोग ले सकते हो, इसमें आपका सॉल्व पेपर दिया रहता है, लेकिन इसको बाद में लेना, ठीक है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप लोग ले सकते हो इसको, पहले भी ले सकते हो लेकिन ज्यादातर बेहतर होता है थोड़ा सा बाद में इसको लिया जाए, ठीक है? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट बुक्स। बाकी आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इससे आपका स्किल डेवलप होगा। और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम आप लोग के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा, उतना ही अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व होगा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बताया मैंने आप लोग को, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है? बाकी कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक तुक्का वगैरह कुछ नहीं, एक ही चीज करना है, पढ़ाई करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग ज्यादा यहाँ हुआ टाइम मत वेस्ट करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो और अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है? आप सभी को ऑल द बेस्ट।